अफान नाम का एक 7 साल का बच्चा पिंजर से गायब हो जाता है अचानक से, खेलते खेलते अपने घर के पास से, जिसकी कोई भी वहां पे सुद नहीं लगती। पिंजर के थानेदार के पास में वो रिपोर्ट दी जाती है, लेकिन 12 दिन होने के बाद में उस पर कुछ कार्रवाई अभी तक उस पर कुछ नहीं दिखता है। वही LCB और SP ऑफिस के जो लोग यहाँ पे जो कर्मचारी है, पुलिस वाले है, ये सभी उसके लिए रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बोलना है कि वहाँ के जो पुलिस स्टेशन के जो थानेदार है वहाँ पे वो जैसी कार्रवाई करना चाहिए वो वैसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं उसको परिचय दिया है कि मैं एक पुलिस में एक रिटायर्ड आदमी भी हूँ, एक सरपंच भी हूँ और एक गांव का नागरिक हूँ। उसने बोला भाई कि वो मुस्लिम है, तुम कौन है, तुम बेगम शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप क्यों दे रहे हो। मैंने उनको बोला कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, मेरे को अधिकार। गोपाल चौहान ये हमारे साथ में है, ये एक बहुत बड़े विषय के अंदर अकोला शहर में आए हुए हैं। इन्होंने हमसे संपर्क किया और सभी पत्रकारों से भी इन्होंने संपर्क किया यहाँ पे, तो इनका बोलना क्या है, इनकी बात क्या है, किस प्रकार से इनकी मांग ये क्या, किस लिए यहाँ पे आए वो हमें जानना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, अफान नाम का एक 7 साल का बच्चा पिंजर से गायब हो जाता है अचानक से, खेलते खेलते अपने घर के पास से, जिसकी कोई भी वहां पे सुद नहीं लगती। पिंजर के थानेदार के पास में वो रिपोर्ट दी जाती है, लेकिन 12 दिन होने के बाद में उस पर कुछ कार्रवाई अभी तक उस पर कुछ नहीं दिखता है। वही LCB और SP ऑफिस के जो लोग यहाँ पे जो कर्मचारी है, पुलिस वाले है, ये सभी उसके लिए रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बोलना है कि वहाँ के जो पुलिस स्टेशन के जो थानेदार है वहाँ पे वो जैसी कार्रवाई करना चाहिए वो वैसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पे चौहान साहब से बात करेंगे, क्या बोलना है उनका, तो बोलिए सर। मेरा नाम गोपाल चौहान, मैं उमरदरी का सरपंच हूँ और बाशराकली तालुका का सरपंच संगठन का अध्यक्ष हूँ। जो उमर पिंजर के अंदर में जो अरफान नाम का जो 7 साल का बच्चा है, वो उसको आज 12 दिन हो गए, लेकिन उसका 12 दिन से उसका पता नहीं लगा। हम उसके माँ बाप से हमने मुलाकात किया और उसके घर का जान लिया, और हमने भी कुछ भाई इसके लिए करने को ना करके हमने प्रयत्न कोशिश किया, और हमने वो 7 साल के बच्चे की खोज होने को ना करके हमने एक सरपंच संगठन के तौर से एक मांग किया कि भाई ये इसके अंदर में एक स्पेशल ग्रुप इसके लिए नियुक्त किया जाए, और एक उसको ग्रुप पे देखरेख करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति किया जाए, और वो बच्चा ढूंढ के उसके माँ बाप को ताबे में दिया जाए। ये मांग के लिए हमने माननीय पुलिस अधीक्षक साहब, माननीय जिलाधिकारी साहब को निवेदन कल हमने दिया, और वही निवेदन देने के लिए मैं कल पुलिस स्टेशन में गया। तो वहाँ स्टेशन का पंजर कल पुलिस स्टेशन पिंजर में मैं एक बजे में पिंजर पुलिस स्टेशन में पहुंचा, और मैंने साहब को मैंने वो निवेदन दिया। तो उसने मेरे को अजीब सा सवाल किया कि आप कौन है। मैंने उसको परिचय दिया कि मैं एक पुलिस में एक रिटायर्ड आदमी भी हूँ, एक सरपंच भी हूँ और एक गांव का नागरिक हूँ। उसने बोला भाई कि वो मुस्लिम है, तुम कौन है, तुम बेगम शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप क्यों दे रहे हो। मैंने उनको बोला कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, मेरे को अधिकार है, वो बच्चा हमारा है, हमारे गांव का है, उसकी आपको खोज है, आपकी ड्यूटी है। उसने हमारे को गलत सलत जो मैं आप चैनल पे बता नहीं सकता ऐसी भाषा में मेरे साथ में उसने उल्लंघन बात किया। उसकी मैंने आज माननीय पुलिस अधीक्षक साहब को शिकायत भी किया है, और मैं अगर वो बच्चे के लिए स्पेशल स्क्वाड जब तक उसकी नियुक्ति नहीं होती और वो बच्चे का खोज नहीं होता, तो अगर आज मेरे को अगर ऐसा लगा तो मैं 1 तारीख से अमरण उपोषण के लिए पुलिस स्टेशन पिंजर के सामने बैठने वाला हूँ, ऐसा मैंने निवेदन भी दिया है। तो ये देख सकते हैं इनके साथ में बताया जा रहा है, इनके बोलने मुताबिक इनके साथ में अभद्र भाषा में जो है वहाँ पे बातचीत की गई पिंजर पुलिस स्टेशन में, और अभी ये उपोषण के लिए बैठने वाले हैं। जब एक बच्चा गायब हो जाता है और कोई भारतीय नागरिक उसके लिए मांग करता है कि उसे ढूंढ दिया जाए, उसे ढूंढ के लाया जाए, वो कहाँ गायब हो गया, जमीन खा गई, आसमान निकल गया या हवा में गायब हो गया, तो इस तरह की कोई अगर भारतीय नागरिक, कोई अगर कर्मचारी, एक्स कर्मचारी यहाँ पे मांग करता है, तो क्यों उसके साथ में ऐसा भेदभाव वाली बात की जाती है, क्यों ऐसी गलत बात की जाती है, जिसे सभी को यहाँ पे जनता को भी समझना चाहिए। और ये जो है ये वीडियो को आपको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट में बताएं इसकी आपकी क्या राय है। धन्यवाद, बने रहिए रंगरेज की आवाज न्यूज के साथ, कैमरामैन काशिफ खान के साथ।